हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनी टेक सपोर्ट में। और मैं आपका साइंस का टीचर देवांशु सक्सेना आज आपको कुछ बेसिक जानकारी देना चाह रहा हूँ। और जो जानकारी आज मैं देने जा रहा हूँ दोस्तों, उसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और ये जानकारी, बेसिक जानकारी, आपको 9th और 10th के जो स्टूडेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं जो, उनके लिए बहुत ही काम की जानकारी है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ साइंस आपके सब्जेक्ट की, विज्ञान के सब्जेक्ट की। विज्ञान को जो कई शाखाओं में बांटा गया है दोस्तों, उसमें जैसे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और एक है जीव विज्ञान, उसके अंतर्गत आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों। तो मैं बात करूँगा आपसे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। बायोलॉजी शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, बायो प्लस लोगोस, यानी जीव, जीवन का विज्ञान, यानी इसको कहते हैं लाइफ स्टडी। ठीक है दोस्तों, अगर हम हिंदी में बात करते हैं जीव विज्ञान की, तो जीव का मतलब जीव जंतुओं से होता है। और इसमें दोस्तों जीव जंतु और पेड़ पौधे, यानी जिसमें भी जीवन है, जिन चीज़ों में, वो सारी चीज़ें हमारी जीव विज्ञान के अंतर्गत ही आती हैं दोस्तों। तो बायोलॉजी शब्द की खोज सबसे पहले दो वैज्ञानिकों ने की थी, जिनका नाम है लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। दोस्तों लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक दो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द दिया था। और उसके बाद जीव विज्ञान को आगे दो शाखाओं में बांट दिया गया है, बायोलॉजी को, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। जूलॉजी में जंतु विज्ञान को कहते हैं और उसमें हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं दोस्तों। और बॉटनी के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान को कहते हैं, उसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। तो आज हम, मैं जैसे कि आपको बताने जा रहा हूँ जीव विज्ञान के बारे में, तो जीव विज्ञान को कहते हैं जीवन का विज्ञान या लाइफ साइंस, या दोस्तों जिनमें जीवन है, जैसे जीव जंतु या पेड़ पौधे जो जीवित हैं, जो चीज़ें या जिनमें जीवन है, हम उनके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर दे रहे हैं कि हमारा या जीव जंतुओं का शरीर, बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो किससे बना हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो शरीर है वो सेल से बना हुआ है, यानी कोशिका, यानी हमारे जीवन की जो कोशिका है वो इकाई है, यूनिट, यानी हमारे बॉडी की यूनिट जो है वो कोशिका है। जैसे इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर आप, फॉर एग्जांपल, आप एक समझ सकते हैं कि कोई मकान का निर्माण होता है या कोई भवन बनता है, तो सबसे पहले उसकी नींव तैयार की जाती है, और नींव में भी सबसे पहले उस एक ईंट रखी जाती है दोस्तों। तो वही एक ईंट से धीरे धीरे और ईंट जोड़ी जाती हैं और एक दीवार बनती है, फिर एक दीवार से दूसरी दीवार बनती है, फिर चार दीवारें खड़ा करके ऊपर एक, उसके ऊपर लिंटर डाल दिया जाता है, एक कमरा तैयार हो जाता है, फिर कई कमरों को तैयार करके एक मकान बन जाता है दोस्तों। तो इसी तरह से ठीक हमारा शरीर, बॉडी भी हमारी ऐसे ही होती है, जो कि एक एक कोशिकाओं से मिलकर बनी, सेल यानी एक कोशिका, यानी एक जैसी कोशिकाएं मिलकर दोस्तों किसका निर्माण करती हैं, ऊतकों का निर्माण करती हैं, टिश्यू, ऊतक बनाती हैं। एक जैसी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं, और ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, और एक जैसे ऊतक मिलकर ऑर्गन, अंग बनाते हैं, हमारे शरीर के बॉडी ऑर्गन बनाते हैं, और एक जैसे अंग मिलकर हमारे शरीर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं दोस्तों, यानी हमारे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कई सारे कमरों को मिलाकर एक मकान बन जाता है, बिल्डिंग बन जाती है, उसी प्रकार से हमारे बहुत सारे अंगों को, अंग तंत्रों को मिलाकर दोस्तों हमारा शरीर बनता है, ये हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो ठीक जैसे मकान में एक ईंट लगनी शुरू हुई थी और उस ईंट से पूरा धीरे धीरे पूरा मकान तैयार हो गया, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर भी एक सेल से बनता है, और बहुत सारी सेल से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे शरीर की इकाई यानी हमारे बॉडी की यूनिट क्या होती है, सेल। थैंक यू दोस्तों।